Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों को बीच रविवार को झड़प में कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 13 पुलिसकर्मी शामिल हैं और 30 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी जाती है। बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी आवाजाही सीमित रखने और ढाका में भारतीय उच्चायोग के आपातकालीन फोन नंबर पर संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। दरअसल सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी एक असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। अवामी लीग, छात्र लीग और जूबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि प्रदर्शनकारियों और अवामी लीग के समर्थकों के बीच मुंशीगंज में हुई झड़प में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 30 अन्य घायल हुए हैं। खबर में हालांकि मृतकों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में फिर से हिंसा भड़कने के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को कहा कि विरोध के नाम पर तोड़फोड़ करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और ऐसे तत्वों से कड़ाई से निपटने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देशवासियों से इन आतंकवादियों का सख्ती से दमन करने की अपील करती हूँ। दरअसल पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 200 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद हिंसा फिर भड़की है। ये प्रदर्शनकारी विवादास्पद कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के योद्धाओं के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया था।